तो दोस्तों नोकिया अपना न्यू स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है नोकिया 9.1 पूरे व्यू। और ये फ़ोन कहा जा रहा है कि 5G होने वाला है। तो आइए जानते हैं इस फ़ोन में कौन से फीचर दिए गए हैं और ये फ़ोन 5G होगा या फिर 4G। तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी लॉन्चिंग डेट की। तो 10 अक्टूबर 2019 को ये लॉन्च होगा, यानी लगभग दीपावली के आसपास इस फ़ोन को जो है लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम यानी OPV 9.0 की ऑपरेटिंग सिस्टम इस फ़ोन में दी गई है। कस्टम UI एंड्रॉयड 1 इस फ़ोन में आपको दिया जाता है। और डिस्प्ले की बात करें तो 5.99 इंच की डिस्प्ले दी गई है। इसके बाद डिस्प्ले टाइप की बात करें तो POLED डिस्प्ले इस फ़ोन में आपको दी जाएगी। इसके बाद फाइनली बात करें रैम की, तो 8GB का रैम इस फ़ोन में दिया जाएगा। उसके बाद स्टोरेज आपको 128GB की स्टोरेज इस फ़ोन में दी जाएगी। इसके बाद कैमरा की बात करें तो क्वाड रेयर कैमरा आपको इस फ़ोन में दिया जाता है, जो कि आपको इसमें फर्स्ट जो होता है वो 13MP का, सेकंड 13MP का, थर्ड 13MP का, और फोर्थ जो कैमरा है वो 13MP का। मतलब चारों के चारों कैमरा 13MP का ही इस फ़ोन में दिया गया है। और साथ ही साथ इसमें एक LED फ्लैश आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बात करते हैं फ्रंट कैमरा की, तो 12MP का फ्रंट कैमरा इस फ़ोन में दिया गया है। इसके बाद बैटरी की बात करें तो 4000mAh की बैटरी दी गई है फास्ट चार्जिंग के साथ। इसके बाद ऑडियो जैक की बात करें तो 3.5mm की ऑडियो जैक इस फ़ोन में दी हुई है। इसके बाद फाइनली बात करते हैं फिंगरप्रिंट सेंसर की, तो ऑन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर इस फ़ोन में आपको मिलेगा। इसके बाद फाइनली अब हम बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो गाइस 60,000 रुपये के आसपास जो है इसकी प्राइस हो सकती है। अभी फ़िलहाल के लिए 59,999 रुपये इस फ़ोन की प्राइस रखी गई है। फ़िलहाल ये अभी फिक्स नहीं है। और लॉन्चिंग डेट की बात करें तो वो भी अभी फिक्स नहीं है। हो सकता है लॉन्चिंग डेट इसकी और आगे बढ़ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।